आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। टेक्नोलॉजी से संबंधित अपडेट पाने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक, शेयर भी कीजिए, धन्यवाद। फ्रेंड्स, कैसे आप सभी, स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंफॉर्मेशन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड में। मैं हूँ आपका अपना तरुण जुनेजा। तो काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज़ इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे डबल टैप करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज का वीडियो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है पिछले वीडियो की तरह ही। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से कुछ आइटम्स को हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी क्या होता है, मान लीजिए आपको सेटिंग में हो आप, ठीक है, और आपको कोई आइटम, तीन चार आइटम किसी को पेस्ट करके भेजनी है। तो अभी हम एक आइटम तो कॉपी कर लेते हैं, है ना, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से टॉकबैक के जेस्चर से कॉपी लास्ट अटरेंस आता है वहाँ पे, हम कॉपी कर लेते हैं। यदि हमने मल्टीपल कॉपी करना हो, जैसे बहुत सारी पूरी सेटिंग कॉपी करके भेजनी हो, तो उस ऐप के बारे में आज हम बात करेंगे। उस ऐप का नाम है यूनिवर्सल कॉपी। ये आपको प्ले स्टोर पर बड़ी इजीली मिल जाएगी और मैं नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा। यदि आप डिस्क्रिप्शन से लिंक डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सर्च भी कर सकते हैं जाके। तो बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ और हम इसका रिव्यू करते हैं, देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को किस तरह से हमने यूज़ करना है और कैसे इसका सेटअप बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ। ज़्यादा देर ना करते हुए अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस एप्लीकेशन का सेटअप कैसे बनाना है। चलिए मैं आपको प्ले स्टोर पर लेके चलता हूँ। मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है और आप इंस्टॉल करके सेटअप देख लीजिएगा। तो चलिए प्ले स्टोर पर ले चलता हूँ। फ्रेंड्स, मैं इसकी स्पीड जो है थोड़ी सी कम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी मैं स्वाइप करता हूँ। यूनिवर्सल कॉपी, ये देखिए इस ऐप का नाम बता दिया इसने, यूनिवर्सल कॉपी। राइट स्वाइप करूंगा, ओपन कर लेंगे, डबल टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कॉपी मोर ऑप्शंस बटन, ये देखिए अभी इसका इंटरफेस ओपन हो चुका है। और जो फर्स्ट स्टेज हमने क्या करना है वो सारा एक बार ध्यान से सुनिएगा आप लोग, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आधी अधूरी जानकारी मिलेगी आपको। अभी हम राइट स्वाइप करते हैं। फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कॉपी डिसेबल्ड, यूनिवर्सल कॉपी डिसेबल्ड, ठीक है। फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। ऑफ स्विच ऑफ, यूनिवर्सल कॉपी एक दो बार राइट करेंगे तो ऑफ बटन बोलेगा, इस पर डबल टैप करके इसको हमने ऑन करना है। डबल टैप करेंगे फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कॉपी। This app uses accessibility services which help users with disabilities use Android devices and apps. Universal Copy needs the activation of an accessibility service to run properly. Please tap on Open Settings, then choose Universal Copy in the list and activate the service. देखिए फ्रेंड्स, इसने हमें इंस्ट्रक्शंस दी है कि हमें इसको एक्सेसिबिलिटी में जाके ऑन करना पड़ेगा। तो अभी हम राइट स्वाइप करते हैं यहाँ पे। Open Settings button. Open Settings. इस पे डबल टैप कर देंगे फ्रेंड्स। Accessibility. Navigate up. Accessibility. स्वाइप करेंगे फ्रेंड्स। Search, but more options, screen reader, visibility and hearing enhancements, so, adjust friends, the audio to help your hearing, or use alternatives like text. So friends, यहाँ पे हम install service में जाएंगे, मैं Samsung का Galaxy M30 use कर रहा हूँ, और आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, direct आपको ये ले जाएगा, swipe करेंगे. Interaction, advanced, installed services, install service पे double tap करूँगा friends. Clipboard Pro, speed on. Commentary screen, universal copy off. ये देखिए फ्रेंड्स, यूनिवर्सल कॉपी आ गया, इस पे डबल टैप करके इसको ऑन कर लेंगे। यूनिवर्सल कॉपी नेविगेट अप, यूनिवर्सल कॉपी अलर्ट, अलाउ यूनिवर्सल कॉपी टू हैव फुल कंट्रोल ऑफ योर फोन, फुल कंट्रोल इज एप्रोप्रिएट फॉर एप्स दैट हेल्प यू विद एक्सेसिबिलिटी नीड्स बट नॉट फॉर मोस्ट एप्स। तो फ्रेंड्स, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, स्वाइप करेंगे। View and control screen, it can read all content on the screen and view and perform actions.
Contract your interaction. Deny button. Allow button. तो फ्रेंड्स यहाँ पे अलाउ कर देंगे इसको डबल टैप करके. Universal copy. Universal copy on switch. फ्रेंड्स ये ऑन हो चुका है, मतलब ये इसका सेटअप फर्स्ट टाइम हमारा कंप्लीट हो चुका है. अभी एक बार बैक करेंगे. Back. Then stop. Back. एक बार फिर बैक करेंगे फ्रेंड्स. Accessibility. एक बार फिर बैक करेंगे. Universal copy. तो फ्रेंड्स हम यूनिवर्सल कॉपी के इंटरफेस पे आ चुके हैं और इसे हमें ऑन कर लिया है, हमने इसे ऑन कर लिया सॉरी. अभी हम राइट स्वाइप करके देख लेते हैं इसके सेटिंग्स देन फीचर क्या क्या है. राइट स्वाइप करेंगे. You're all set here. When you are in an app and want to copy some text, start the universal copy mode by activating it via the notification bar on the top of your screen. देखिए फ्रेंड्स इसने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए हैं अभी कि किस तरह से हमने इसको एक्सेस करते हुए अपना जो भी टेक्स्ट मटेरियल है उसे कॉपी करना है, वो मैं आगे बताने वाला हूँ. नोटिफिकेशन शेड से ये कॉपी होता है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ. तो राइट स्वाइप करेंगे. सब्सक्राइब टू यूनिवर्सल कॉपी प्लस प्लस एंड जॉइन द ओसीआर मोड मोर एप्स सपोर्टेड एंड शो अस योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू यूनिवर्सल कॉपी प्लस. देखिए फ्रेंड्स ये एक इसमें सब्सक्रिप्शन है. इसमें क्या होता है कि यदि कुछ ऐप्स ऐसी होती हैं या कुछ लाइंस ऐसी होती हैं या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे ये सही से काम नहीं करेगा, यानी OCR अगर आपको करना है तो आपको इसका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा. लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी जो बेसिक नीड है वो पूरी हो ही जाती है. क्योंकि मैं उसे खुद यूज़ कर रहा हूं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर की जाए. तो अभी राइट स्वाइप करेंगे. वैसे मैं आपको इसका प्लान भी दिखा देता हूं कि इसका ईयरली कितने का है और मंथली कितने का है सब्सक्रिप्शन. इस पर डबल टैप करेंगे. Subscribe to Universal Copy Plus. The OCR mode allows you to copy text from apps where the normal mode does not work, thanks to a character recognition technology, OCR. The OCR mode currently only works with Latin characters. It even allows you to copy text from images too. This feature is included in Universal Copy Plus. Click below to subscribe. देखिए फ्रेंड्स इसमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या फीचर मिलेगा, आप पढ़ ही चुके होंगे. ठीक है, तो अभी राइट स्वाइप करेंगे. Yearly, 20% off button. मंथली अगर आप ईयरली लेते हैं तो 20% आपको अभी ऑफ मिल जाएगा. तो अभी हम ईयरली का प्लान देख लेते हैं कितने का. डबल टैप करेंगे. यूनिवर्सल कॉपी. यूनिवर्सल कॉपी प्लस ईयरली सब्सक्रिप्शन 20% ऑफ. यूनिवर्सल कॉपी करंट प्राइस 490.00 पर ईयर. तो फ्रेंड्स देखिए 490 रुपए का इसका ईयरली प्लान है. बट आप सब्सक्रिप्शन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आप बड़े इजीली जो आपकी बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी इससे. ठीक है, तो अभी हम बैक करेंगे फिर यहाँ पे. यूनिवर्सल कॉपी. सब्सक्राइब टू यूनिवर्सल कॉपी प्लस प्लस एंड जॉइन द OCR मोड मोर एप्स सपोर्टेड एंड शो अस योर सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू यूनिवर्सल कॉपी प्लस. तो फ्रेंड्स अभी हम राइट स्वाइप करेंगे. ट्रिगर्स डिसेबल्ड. ट्रिगर्स तो फ्रेंड्स ये किसी काम का नहीं है वैसे हमारे लिए. राइट स्वाइप करेंगे. नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन इसको देख लेते हैं फ्रेंड्स. इस पे डबल टैप करेंगे. अगर आप इस पे डबल टैप करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, डबल टैप करेंगे तो ऑन हो जाएगी. ये अनाउंस नहीं करेगा कुछ. एक बार लेफ्ट स्वाइप करके राइट देख लेते हैं. ट्रिगर्स डिसेबल्ड. नोटिफिकेशन एक्टिवेटेड स्विच. ये देखिए एक्टिवेटेड स्विच, तो ये ना एक्टिवेट हो चुका है. ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम फिर से एक बार राइट स्वाइप करेंगे. लॉक क्लिक ऑन बटन डन डिसेबल्ड. इसको भी हम छोड़ देंगे. अभी ऑप्शंस डिसेबल्ड. ऑप्शंस को भी छोड़ देंगे. OCR मोड प्लस लॉन्च इन OCR मोड बाय डिफॉल्ट. इसको भी छोड़ देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है. राइट स्वाइप करेंगे. ऑफ स्विच. टेक्स्ट ज़ोन्स प्रीव्यू. प्रीव्यू अवेलेबल टेक्स्ट ज़ोन्स डिटेक्टेड बाय यूनिवर्सल कॉपी. ये भी छोड़ देंगे फ्रेंड्स. वैसे मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें आपको कुछ खास नहीं है फ्रेंड्स. वैसे ऑफ टेक्स्ट ज़ोन्स प्रीव्यू ये बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है, इसे ऑन रहने दीजिएगा आप. ठीक है. ऑन स्विच. Launch in full screen mode. Should universal copy always start in full screen mode? Friends, इसको आप on कर लीजिए right swipe करके. Off switch. ये देखिए off बोल रहा है. इसको double tap करके on कर लीजिए. इसका मतलब ये होगा कि मान लीजिए जब हम इसको पूरे full screen पे कुछ भी आएगा ना, तो आप copy कर सकते हैं. चाहे वो WhatsApp का icon भी हो रहा, वो भी copy हो जाएगा. मैं आपको आगे दिखाऊंगा. अभी हम right swipe करेंगे friends. On switch. Disable animation. Remove the starting animation. Off switch. इसको भी फ्रेंड्स हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमारे काम का नहीं है. Let app run in background loop. Enable if the app keeps getting deactivated by your device. Off switch. इसको भी हम ऑफ ही रखेंगे फ्रेंड्स. Shortcuts loop disabled. Double tap. Action on double tap. Copy. इसको भी फ्रेंड्स हम ये डबल टैप ही होता है बेसिक. अगर वहाँ पे नोट चेक आते हैं डबल टैप करके हम कॉपी कर पाएंगे, तो इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे फ्रेंड्स. Long press. Action on long press. Edit.
ये लॉन्ग प्रेस वाला भी हम नहीं छेड़ेंगे फ्रेंड्स। अबाउट डिसेबल्ड, बाकी अबाउट आ गया है, ठीक है। डोनेट, सपोर्ट अस बाय गिविंग अस अ टिप। डोनेट, आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं, अगर आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ अच्छा लगा तो आप इनको डोनेशन भी दे सकते हैं। शेयर, लेट योर फ्रेंड्स नो अबाउट द यूनिवर्सल कॉपी। यहाँ से आप किसी को शेयर कर सकते हैं एप्लीकेशन। फैक्ट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे फैक्ट कर सकते हैं। डिस्कवर इजी कॉपी, ऐड, सेव एंड मैनेज योर क्लिप्स, कस्टमाइज्ड क्विक एक्शंस एंड मोर। इसको भी नहीं छेड़ेंगे फ्रेंड्स हम। प्राइवेसी पॉलिसी, ये इनकी प्राइवेसी पॉलिसी है। अबाउट, वर्जन 3.2, ये इसका वर्जन है 3.2 अबाउट में। यूनिवर्सल कॉपी, मोर ऑप्शंस बटन। तो फ्रेंड्स इसकी जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, हमने इसका सेटअप कर लिया। Dark theme, not checked, checkbox. और जो लो विजन है वो मोर ऑप्शन में जाके डार्क थीम को इनेबल कर सकते हैं अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो। तो फ्रेंड्स अभी हम बैक करते हैं और एक बार होम पेज पे चलेंगे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इससे किस तरह से आपने अपने टेक्स्ट को कॉपी करना है और उसके बाद किस तरह से कहाँ पे पेस्ट करना है। तो अभी फ्रेंड्स मैं अपनी नोटिफिकेशन सेट खोलूंगा दो उंगली से। App screen, page 5 of 7. Notification shade, 6:20 PM. Notification shade खोल लिया और अब मैं यहाँ पे यूनिवर्सल कॉपी ढूंढूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। Collapsed, universal copy, 6:17 PM. तो फ्रेंड्स ये यूनिवर्सल कॉपी बोल रहा है ना, इस पे मैं डबल टैप करूंगा। Universal copy mode, OCR button. तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल कॉपी मोड आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे जो इसका इंटरफेस है ना, इसने पूरी स्क्रीन को कवर कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्वाइप करके देख लेते हैं। Cancel button, not checked, cancel. देखिए नोट चेक कैंसिल, हम कैंसिल को भी कॉपी कर सकते हैं, जो ये कैंसिल बोल रहा था ना अभी, उसको भी हम कॉपी कर सकते हैं डबल टैप करके। मैं इसको डबल टैप कर देता हूँ। Not checked, search. Not checked, search. Search को भी कॉपी कर सकते हैं, इसको भी मैं डबल टैप कर देता हूँ। ये चेक हो गया, देखिए। Not checked, go to discover. Not checked, Google search. Not checked, search. Not checked, voice search. Not checked, files. Not checked, folder. देखिए फ्रेंड्स ये मेरा होम स्क्रीन का है सारा सिस्टम, मतलब मैं अपनी होम स्क्रीन पे हूँ और मैं अपने होम स्क्रीन के ऑप्शन भी कॉपी कर सकता हूँ। तो मैं प्ले स्टोर को भी कॉपी करता हूँ, डबल टैप करता हूँ, ये देखिए हो गया। Not checked. Contacts. मैं कॉन्टैक्ट्स के आइकन को भी कॉपी कर लेता हूँ डबल टैप करके। तो फ्रेंड्स मान लीजिए मेरे को ये सारी आइटम कॉपी करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको कॉपी बटन मिल जाएगा, जो हमारा राइट साइड है ना, बिल्कुल कॉर्नर पे नीचे टाउन में, वहाँ पे आपको जहाँ पे व्हाट्सएप का वॉइस सर्च मिलता है ना, वॉइस नोट वाला, तो वहाँ पे आपको कॉपी बटन मिलेगा। ये देखिए इस पे डबल टैप कर देंगे, टेक्स्ट कॉपी टू क्लिपबोर्ड। ये देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है। और अब मैं आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे। व्हाट्सएप किसी भी एडिट बॉक्स में कॉपी करने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हैं। एक तो टॉकबैक का जेस्चर्स है, स्वाइप अप देन राइट यानी लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, या फिर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट का बटन ढूंढ सकते हैं। तो मैं आपको एडिट बॉक्स को हम लॉन्ग प्रेस करेंगे यानी पकड़ के रखेंगे। Attach, camera, voice note, paste, more up, paste. ये देखिए पेस्ट आ गया, डबल टैप कर देंगे। Search Play Store contacts. देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये कॉपी आके हो चुका है। Editing, search Play Store contacts, edit box. ये देखिए फ्रेंड्स हमने वहाँ पे सर्च कॉपी किया था, प्ले स्टोर का आइकन कॉपी किया था और कॉन्टैक्ट्स का आइकन कॉपी किया था। तो फ्रेंड्स आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम अपनी कोई भी, यदि आप कहीं भी हों, चाहे फेसबुक में हो, ट्विटर में हो या व्हाट्सएप में हो, अगर आपको लगे कोई भी आइकन आपको कॉपी करना है तो सिंपली नोटिफिकेशन सेट खोलना है, दो उंगली से नीचे करना है, उसके बाद यूनिवर्सल कॉपी पर डबल टैप करना है, उसका इंटरफेस खुल जाएगा और स्वाइप करते करते जाना है, सारा आइकन आपका बोलेगा और जो भी आपको लगे कॉपी करना है उस पर डबल टैप करके सिंपली नीचे कॉपी बटन पर क्लिक कर देना है, आपके सारे आइटम कॉपी हो जाएंगे एक साथ। तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा और कैसी लगी आपको ये एप्लीकेशन। आई होप सो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ एक छोटा सा प्यारा सा लाइक नीचे कर दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऐसी ही वीडियो मैं लाता रहूँगा हर रोज़, तो बने रहें, जुड़े रहें इन्फॉर्मेशन फॉर विजुअली इंपेयर्ड के साथ। थैंक यू टू ऑल।